हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम ये देख रहे हैं कि आप पिछले जन्म में क्या थे और उसका इस जीवन पे आपके क्या असर है, इसी को लेकर ये रीडिंग है। और यहाँ आपके पास दो चॉइसेस है। फर्स्ट कार्ड आपके लिए है हिडन डेप्थ का और सेकंड वन इज प्रोटेक्ट योर ड्रीम्स। इन दोनों कार्ड्स में से आपको एक को चुनना है और उसके बाद हम देखेंगे आपके लिए कि आप पिछले जन्म में क्या थे, इस जन्म में उन कर्मास का आपके ऊपर क्या इम्पैक्ट है, और यही सब हम देखने का कोशिश करेंगे। तो फर्स्ट जिन्होंने कार्ड चूज किया है हिडन डेप्थ का, उनके लिए मैं कार्ड शफल कर रही हूँ। हैं आपके लिए जिन्होंने चूज किया था हिडन डेप्थ का कार्ड, उनके लिए यह कार्ड्स आए हैं। और फर्स्ट अगर हम यहाँ ओरेकल कार्ड से देखें तो आइस क्वीन का कार्ड है और लगता है कि आप में से काफी लोग जो थे वो इस तरह के जगह पर रहने वाले थे जहाँ काफी स्नो होती है, बर्फीला क्षेत्र होता है, जैसा जहाँ पे कह सकते हैं ठंड बहुत होती है, इस तरह के इलाके में आप रहने वाले थे और इस तरह के आप पर्सन थे। और यहाँ आप देख रहे हैं ये क्वीन है, आइस क्वीन। तो आप अगर एक लड़के हैं तो आप किसी इस तरह की फैमिली से थे जो काफी कह सकते हैं रॉयल फैमिली से आप रहे हो सकते हैं, और इसी वजह से आप काफी कह सकते हैं अपने आप में ही एक सीमाओं में रहने वाले पर्सन थे, क्योंकि आपको किसी से मिलना जुलना और सोशलाइज होना या आम लोगों के बीच में जाना आपके लिए अलाउ नहीं था, इस तरह की आप पर्सनैलिटी के पर्सन थे। तो आइस क्वीन और किंग दोनों यहाँ जेंडर के अकॉर्डिंग आप देख लीजिएगा। तो आप रॉयल फैमिली से थे और आपके पास बहुत कुछ था और आप काफी समझदार इंसान थे। यहाँ आप देख रहे हैं ऑल है वाइट ऑल, और आप काफी ठंडे इलाके से थे जहाँ पे बर्फ रहती है, बहुत कह सकते हैं बर्फीला क्षेत्र होता है जहाँ पे हमेशा सर्दी रहती है, इस तरह के एरिया से आप थे वहां पे आप जन्मे थे। और एक क्वीन थे या एक प्रिंसेस थे आप या प्रिंस थे, और काफी आपके पास बहुत कुछ था पर फिर भी आपको सोशलाइज नहीं होने दिया जाता था, इस तरह की आपकी लाइफ थी। और आपके पास वैसे इसीलिए आपको थोड़ा सा आइसोलेशन फील होता था कि आप बहुत कम लोगों से मिल पाते हैं, इस तरह की एनर्जीज यहाँ दिख रही है आपकी पास्ट लाइफ को लेकर। द वेव वीवर का कार्ड है और यहाँ ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे जो की वर्ड्स दिए गए हैं जैसा डिवाइन इंटेलिजेंस, तो आपके अंदर काफी धर्म और अध्यात्म को लेकर बहुत आपके अंदर आस्था थी और आप काफी धार्मिक भी थे और आप काफी आध्यात्मिक इंसान थे होंगे, इस तरह की आपकी यहाँ एनर्जीज दिख रही है। और यहाँ अगर हम देखें तो स्पिरिट में विस्पर्स का कार्ड है, डिवाइन गाइडेंस और हायर नोइंग की। आपको अभी भी इस जन्म में भी कुछ ऐसी चीजें लगती होगी जिससे आप जान सकते हैं कि आप में से काफी लोगों के पास ऐसी हिडन क्वालिटीज थी या ऐसे कुछ आपके पास कह सकते हैं नेचुरल गिफ्ट थे जिससे आप बहुत कुछ आसानी से जान लेते थे। तो आपका सबकॉन्शियस माइंड बहुत एक्टिव था और आपका कह सकते हैं सिक्स सेंस बहुत हाई रहा हो सकता है उस वक्त, और इस जन्म पे भी इसका इम्पैक्ट है कि आपको कुछ चीजें पहले से ही पता चल जाती है या कुछ साइंस आपको मिल जाते हैं जिससे आप आने वाले फ्यूचर को थोड़ा देख पाते हैं या उससे रिलेटेड आपको साइंस मिल जाते हैं। तो डिवाइन गाइडेंस आपको काफी मिलती रहती थी और इस जन्म में भी आपके साथ ऐसा रहा हो सकता है कि आप डिवाइनली काफी गाइडेड हैं, स्पिरिचुअल हैं, धर्म और अध्यात्म में आपकी काफी रुचि हो सकती है और आप काफी इंटेलिजेंट पर्सन रहे थे। और इस जन्म में भी हो सकते हैं आप काफी समझदार वाइस पर्सन। और द फोनिक्स का कार्ड है और यहाँ जो कहे गए हैं सरेंडर टू चेंज, आप हर तरह की चेंजेस को फेस करने के बाद लाइफ में काफी आगे रहे हैं। वैसे आपके पास कोई कमी नहीं थी सोर्सेस की, या कहें कि आपके पास कोई कमी नहीं थी किसी भी चीज की, चाहे वो पैसा हो, वेल्थ हो, ब्यूटी हो, क्योंकि आपके पास बहुत कुछ था। और वहीं आपने काफी चेंजेस भी देखे थे पिछले जन्म में, इस तरह की एनर्जीज यहाँ दिख रही है। और यहाँ सिक्स ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, वही चीज दिख रही है कि आप, क्योंकि आपको आम लोगों से मिलना अलाउ नहीं था तो आप थोड़ा सा सेल्फ सेंटर्ड रहते थे, पर फिर भी यहाँ आप एंजल देख रहे हैं, तो हमेशा आप डिवाइनली गाइडेड रहे हैं, प्रोटेक्टेड रहे हैं। और यहाँ क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है, तो आप में से कुछ लोग जो हैं वो सिंगर भी रहे हो सकते हैं, बहुत अच्छे डांसर हो सकते हैं, आर्टिस्ट रहे हो सकते हैं उस टाइम के, यानी आपकी कला में बहुत रुचि हो सकती है, आप बहुत अच्छा गाना गाते हुए हो सकते हैं या बहुत अच्छा डांस करने वाले हो सकते हैं। तो आप इस तरह के किंग या क्वीन थे जो काफी कह सकते हैं आर्ट वगैरह में बहुत एक्सप्रेसिव थे, यानी आपके अंदर काफी कलाएं थी और
काफ़ी आपकी खूबसूरती की बहुत तारीफ होती होगी उस वक्त। आप इस तरह के पर्सन रहे हो सकते हैं जो बहुत सुंदर थे और जिसके पास बहुत कुछ था, और आपका जो कह सकते हैं लग्जरी बहुत लाइफस्टाइल था। आप यहाँ पे भी देख रहे हैं क्वीन ऑफ कप्स आया है, तो आपके पास प्यार की, पैसे की, किसी तरह की कोई कमी नहीं थी। और इस चीज़ का इम्पैक्ट इस जन्म पे भी आप ये देखते होंगे कि आपको साधारण चीज़ें पसंद नहीं आती, आपको बहुत असाधारण चीज़ें या नॉर्मल चीज़ें आपको पसंद नहीं आती, आपको बहुत महंगी और प्रीशियस चीज़ें पसंद आती है। और आपकी पसंद बहुत अलग और कह सकते हैं इस तरह की हो सकती है कि आपको यूनिक चीज़ें पसंद आती है इस जन्म में भी, चाहे वो गजर्स हों या डे टू डे लाइफ की भी चीज़ें होंगी, तो आपको बहुत स्पेशल चीज़ें पसंद आएगी। क्योंकि ये आपके अंदर इस चीज़ का इम्पैक्ट है कि आप पिछले जन्म में एक किंग या क्वीन थे, तो आपके पास पैसे की कोई कमी नहीं थी, तो इस जन्म में भी आपको लग्जरी बहुत पसंद है और बहुत एक्सपेंसिव चीजें आपको बहुत पसंद हो सकती है इस जन्म में। और इस जन्म पे भी इम्पैक्ट है आपका ये कि आपको हर कोई ड्रेस पसंद नहीं आता होगा, हर एक नॉर्मल चीज पसंद नहीं आती, बल्कि एक यूनिक और खूबसूरत चीजें आपको बहुत पसंद हो सकती है। और इस जन्म में भी आप बहुत अप टू डेट रहते हैं, बहुत अच्छा आपका ड्रेसिंग सेंस है, और ये चीज आपके पिछले जन्म से चली आ रही है, क्योंकि आपको खुद को सजना संवरना और अच्छे से गेटअप या कह सकते हैं रेडी होके रहना, इस तरह की आपकी पर्सनालिटी थी और उस चीज को काफी सराहना मिलती थी। और यहाँ कार्ड आया है 8 ऑफ पेंटिकल्स, तो यहाँ ऐसा लग रहा है कि आप जहाँ बहुत अच्छे फैमिली बैकग्राउंड से थे, पर आपके पास जहाँ पैसे की कोई कमी नहीं थी, पर फिर भी आप बहुत हार्ड वर्कर थे, बहुत मेहनती इंसान थे, और आप खुद भी बहुत काम करने में यकीन रखते थे और बहुत कुछ आप करते थे। जहाँ आप में आर्ट में बहुत रुचि थी, वहीं आप फाइनेंसेस को लेके कह सकते हैं योजना बनाना, उनके ऊपर काम करना, इस तरह की आपकी एनर्जी थी। आप फ्री नहीं बैठते थे, आप में बिल्कुल आलस नहीं था। और इस चीज़ का इम्पैक्ट इस जन्म पे भी है कि आप अभी भी कोई फाइनेंस से जुड़ा काम कर सकते हैं या कॉमर्शियल आपका कोई वर्क हो सकता है। कुछ लोग जैसे सिंगर, डांसर, राइटर, पेंटर इस जन्म में भी हो सकते हैं, आर्किटेक्चर, यूट्यूबर, आप में काफी कलाएं हैं या काफी आप में आर्ट जैसी काफी स्पेशलिटी है आप में, कि आप आर्ट फॉर्म वाली कुछ चीजें बहुत आपके अंदर गॉड गिफ्टेड हैं। आप दिखने में बहुत सुंदर हो सकते हैं इस जन्म में भी। और वहीं कुछ लोग फाइनेंस से जुड़ा काम करने वाले हो सकते हैं इस जन्म में, यानी आप बैंकिंग सेक्टर में हो सकते हैं, कॉमर्शियल चीजों में बहुत अच्छे हो सकते हैं, बिजनेस वगैरह में। और इस जन्म में भी आप बहुत हार्ड वर्कर हैं और यही इम्पैक्ट है आपका। वहीं आपके लिए 5 ऑफ पेंटिकल्स आया है, तो यहाँ आप देख रहे हैं कपल है और बाहर से लोग जेलस हो रहे हैं। तो पिछले जन्म में भी लोग आपसे बहुत जेलस होते थे, क्योंकि आपके पास बहुत कुछ था, आप खुद बहुत आर्टिस्टिक थे, आपके पास पैसा काफी था, और वहीं आपके पास सारी लग्जरी थी, और आप डिवाइनली काफी गाइडेड थे। तो लोग आपसे उस जन्म में भी बहुत जलते थे या जेलस थे, और इस जन्म में भी आपकी जो आपने जो अपने लिए अचीव किया है उसको देखकर लोग काफी जेलस होते होंगे, क्योंकि आपको हर तरह से लाइफ को फुल ऑन जीना आता है, आपको हर तरह की कह सकते हैं आप में एबिलिटीज है और बहुत अच्छी समझ वाले पर्सन हैं आप, जो डिवाइनली काफी गाइडेड हैं, इंटेलिजेंट हैं, खूबसूरत हैं, और अपने काम को लेकर आप जैसे हमेशा डेडिकेटेड रहते हैं और आलसी आप बिल्कुल नहीं हैं, इस तरह की आपकी पर्सनैलिटी हो सकती है। पर फिर भी आप थोड़ा थोड़ा अकेलापन भी फील करते हैं, क्योंकि आप आसानी से लोगों से कनेक्ट नहीं हो पाते, और ये चीज आपके पिछले जन्म से चली आ रही है कि आप बहुत जल्दी लोगों में घुलते मिलते नहीं हैं। आप लोगों से मिल जरूर लेते हैं पर आसानी से उनसे कनेक्ट नहीं हो पाते, या रिश्ते बहुत जल्दी नहीं बनाते आप किसी से, सिर्फ आप मिल सकते हैं, और ज्यादा सोशलाइज आप नहीं करने वाले हो सकते हैं, या अगर आपका फ्रेंड्स ग्रुप भी है तो आप बहुत ज्यादा डीपली उनके अंदर इन्वॉल्व नहीं होते, इस तरह की आपकी पर्सनैलिटी हो सकती है, क्योंकि ये चीज आपकी पिछले जन्म से चल रही है। थोड़ा आपको अकेलापन भी महसूस होता है, इस तरह की भी आपकी पर्सनैलिटी है। और यहाँ अगर हम कार्ड देखें ओरेकल डेक से, तो द स्पाइरल डांसर का कार्ड है। द स्पाइरल डांसर का कार्ड ये बता रहे हैं कि आप में से कुछ लोग स्टार सीड भी रहे हो सकते हैं, अभी भी हैं, और इस तरह की एनर्जीज भी यहाँ दिख रही है। और यहाँ 3 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो आपके कुछ ऐसे फ्रेंड्स हो सकते हैं पिछले जन्म में भी और इस जन्म में भी, उनसे आपका कनेक्शन बहुत स्ट्रांग रहा है, किसी तरह से फ्रेंड्स आपके लिए बहुत सपोर्टिव रहे हैं पिछले जन्म में भी और इस जन्म में भी। जो आपका अकेलापन है, जो आपका आइसोलेशन है, उससे आपके फ्रेंड्स आपको दूर करते हैं, और आपको ये हो सकता है कि उन्हीं के साथ डांस पार्टी और इंजॉयमेंट करना पसंद है इस जन्म में भी, कुछ खास लोगों के साथ ही आपको कुछ सेलिब्रेट करना पसंद है, इस तरह की आपकी एनर्जीज हो सकती है। द हिडन डेप्थ का कार्ड जो आपने चूज किया था,
यहाँ से, और जो यहाँ मैसेज है, समथिंग हिडन इज अबाउट टू कम टू लाइट, परहैप्स ए सीक्रेट और मेमोरी एट द बैक ऑफ योर माइंड, व्हेन वी एक्सपोज व्हाट्स हिडन वी कैन बिकम फ्री। जी, आपको अभी भी कुछ चीज़ें ऐसी है जो अपने हिडन टैलेंट्स हैं, आपकी जो हिडन क्वालिटीज़ है, कुछ आपके छुपे हुए गुण हैं, प्रतिभाएं हैं, आपके अंदर कुछ स्पेशलिटीज़ है, शायद अभी तक आप उसको एक्सप्लोर नहीं कर पाए हैं, आप नहीं जान पाए हैं कि आप में क्या क्या गुण हैं, क्योंकि आप पिछले जन्म में बहुत गुणी व्यक्ति रहे हो सकते हैं, काफ़ी समझदार, इंटेलिजेंट, और जैसा किंग और क्वीन होने के बावजूद आप काफ़ी अच्छी आर्टिस्ट कह सकते हैं, क्वालिटीज़ वाले पर्सन हो सकते हैं, बहुत अच्छा फाइनेंशियल आपका स्टेटस था, फिर भी आप बहुत हार्ड वर्कर थे। तो इस जन्म में हो सकता है कुछ चीजें आपको अपने बारे में ही नहीं पता है कि आप में ये क्वालिटीज हैं, तो आप बहुत सारी चीजें ट्राई करें ताकि आप जान सके कि आपके अंदर बहुत सारी नेचुरल कह सकते हैं क्वालिटीज है, बहुत सारी आपके अंदर ऐसे हिडन टैलेंट्स हैं जो अभी तक आपने अपने आप को भी नहीं जाना है। तो यही मैसेज आपके लिए आए हैं, तो यही आपके लिए रीडिंग थी, और मैसेजेस से अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करे तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नेक्स्ट फाइव वालों के लिए हम देख लेते हैं, कार्ड चूज किया था प्रोटेक्ट योर ड्रीम्स का, उनके लिए मैं कार्ड शफल कर रही हूँ। ये कार्ड्स आए हैं आपके लिए जिन्होंने प्रोटेक्ट योर ड्रीम्स का कार्ड चूज किया था, उनके लिए रीडिंग होगी। फर्स्ट, अगर हम यहाँ ओरेकल डेक से कार्ड देखें तो द हॉर्स किंग का कार्ड है, और यहाँ ऐसा लग रहा है कि आप में से कुछ लोग ऐसे एरिया से हो सकते हैं जो काफी कह सकते हैं पहाड़ी इलाके में आप रहते थे, या इस तरह के प्लेस पे आपका जन्म हुआ था पिछले जन्म में, जहाँ पहाड़ी इलाका हो, बहुत पहाड़ियों वाली जगह होती है, कुछ वैसे स्थान से आप थे और आपके पास घोड़े थे, आप काफी लोग जो थे इस तरह के जाति संप्रदाय से कनेक्टेड थे, जो वॉरियर थे, और काफी आपके अंदर एक कह सकते हैं स्ट्रांग पर्सनैलिटी थी आपकी, काफी कॉन्फिडेंट थे आप, चाहे गर्ल थे या आप बॉय थे, पर आप चाहे गर्ल हैं या बॉय हैं, पर आप इस तरह के पर्सन थे जो काफी कह सकते हैं बहुत स्ट्रांग पर्सनैलिटी के थे, काफी हिम्मत थी आप में, और आपके पास काफी आप एनिमल लवर भी थे, हॉर्स घोड़ा भी हो सकता है आपके पास, पिछले जन्म में आपके पास हॉर्स भी रहा हो सकता है, हॉर्स राइडिंग का आपको शौक रहा हो सकता है, और इस जन्म में भी इस चीज का इम्पैक्ट आप पे हो सकता है। और यहाँ आपके लिए ऐसा लग रहा है कि द एरो मास्टर का कार्ड है, तो आप में काफी स्किल्स थी, डेफिनेटली आप वॉरियर थे, चाहे आप गर्ल थे या बॉय थे, पर आपको काफी ऐसी स्किल्स पता थी, भी अचीवर थे, वॉरियर थे, और आपको जैसे कह सकते हैं तीरंदाजी का शौक रहा हो सकता है, स्पोर्ट्स पर्सन आप रहे हो सकते हैं, और आप में इस तरह की क्वालिटीज थी कि आप जो भी सोच लेते थे उसे करके पूरा दिखाते थे, आप इस तरह के गोल ओरिएंटेड पर्सन थे, और किसी भी तरह का आपको स्ट्रगल करना पड़े पर आप अपने जो गोल्स होते थे या अपने जो उद्देश्य होते थे उनको पूरा करके ही दम लेते थे, इस तरह के आप पर्सन थे, और इसी वजह से आप जाने भी जाते थे। और यहाँ आपके लिए द मेटल किंग का कार्ड है, डिसिप्लिन, अमोर और बाउंड्रीज थी, आपको लोगों को एक सीमा में ही रखना पसंद था, कोई बहुत ज्यादा आपके ऊपर हेवी नहीं हो सकता था, आप कह सकते हैं नो वन कैन राइड ऑन यू, आप इस तरह के पर्सन थे जो अपने आपके ऊपर किसी और को सवार नहीं होने देते थे, और लोगों के सामने जो थे वो आप अपना ये वॉरियर फॉर्म नहीं लाते थे, आप बहुत सेंस ऑफ ह्यूमर वाले पर्सन थे, पर आप डिसिप्लिन बहुत थे, जो आपने सोच लिया उसे करना है, और लोगों को एक हद तक ही आप अनुमति देते थे कि आपकी लाइफ में इंटरफेयर करे, और यही चीज आपकी लाइफ में अभी भी इस चीज का इम्पैक्ट है कि आप बहुत ज्यादा लोगों को अपनी लाइफ में इन्वॉल्व नहीं होने देते, आप उनको पूरा रिस्पेक्ट देते हैं, आप उनको कह सकते हैं पूरी अपनी लाइफ में रखते हैं, पर फिर भी एक सीमा में आप रखते हैं, बहुत ज्यादा आप किसी के इन्फ्लुएंस में नहीं आते, या आपके ऊपर किसी तरह का प्रभाव नहीं डाला जा सकता, आप इस तरह के स्ट्रांग पर्सन हैं अभी भी, इस तरह का आपके लिए लग रहा है। और द ऑल्टर प्रिस्टेस का कार्ड है, तो यहाँ ऐसा लग रहा है कि आप प्रेयर, प्रार्थना, दुआ, इन सब में आप बहुत यकीन रखने वाले पर्सन थे, और यहाँ आपके लिए भी लग रहा है कि आप काफी धर्म अध्यात्म से जुड़े पर्सन थे, और आपको ये जो सारी स्पिरिचुअल और रिलीजियस एक्टिविटी होती है, जैसे आप डेली बेसिस पे मंदिर, मस्जिद या गुरुद्वारा जाते थे, जो भी आपका धर्म था,
पर आप काफी कनेक्टेड पर्सन थे और आप भगवान को बहुत मानते थे और इस तरह के आप पर्सन थे और आपको एक कह सकते हैं नैतिक मूल्यों वाला पर्सन माना जाता था। आपकी हाई मॉरल वैल्यूज रहे हो सकते हैं उस वक्त, और इस चीज का इम्पैक्ट अभी भी है कि आप डेली बेसिस पे जाते होंगे स्पिरिचुअल और रिलीजियस प्लेसेस पे। आप योगा मेडिटेशन और धार्मिक क्रियाओं में अभी भी बहुत आगे हैं और आपको धर्म में बहुत रुचि है, और साथ ही में आप जो धार्मिक क्रियाएं होती है जैसे डेली बेसिस पे पूजा करना, पाठ करना, या मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे जाना, गिरजाघर जाना, या इस तरह की आपकी अभी भी कह सकते हैं प्रैक्टिसेस रही हो सकती है जो भी आपका रिलीजन हो, तो आपको ये चीज काफी शांति और सुकून देती है और इसी वजह से आपके पास काफी अबंडेंस भी था इस तरह का लग रहा है। और यहाँ अगर हम कार्ड देखें टैरो डेक से आपके लिए, तो फोर ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। तो यहाँ ऐसा लग रहा है कि पिछले जन्म में आप कुछ लोग जो थे वो फाइनेंस से जुड़ा काम करते थे और आपका कोई व्यापार रहा हो सकता है, और आप बहुत अच्छे फैमिली से थे पर आप में सेविंग की भी बहुत आदत थी, जहाँ आप वॉरियर भी थे। कुछ लोग जो थे वो कह सकते हैं इस तरह की संप्रदाय से भी हो सकते हैं जो बिजनेस करते हों, या मनी लेंडिंग का बिजनेस आपका रहा हो सकता है, और अभी भी आप इस तरह का कोई काम कर सकते हैं जो 9 to 5 जॉब करना या एक सीमा में रहकर आप काम करना ज्यादा पसंद करते थे। ऐसे पूरे दिन भर काम नहीं कर सकते आप, कुछ टाइम ही चाहिए आपको जिसमें आप काम करें और उसके बाद आप अपने लिए टाइम निकालें, जैसा आप अपने लिए एक बाउंड्री सेट करके रखते हैं। तो आप काम के टाइम काम करते हैं और बाकी चीजों के लिए भी आपको टाइम चाहिए, जैसा आप स्पिरिचुअल रहे हो सकते हैं, अभी भी धार्मिक रहे हो सकते हैं। और वहीं एम्प्रेस का कार्ड है, तो आपके पास बहुत लग्जरी थी और वो आपकी मेहनत से आपने अचीव की हो सकती है, जैसा आपके पास काफी आप स्पोर्ट्स पर्सन रहे हो सकते हैं, कुछ लोग वॉरियर रहे हो सकते हैं, कुछ लोग फाइनेंस से जुड़ा काम करने वाले हो सकते हैं, पर जो भी आपका काम था आप उससे काफी समृद्धशाली हो गए थे। आपने अपनी मेहनत से बहुत कुछ अचीव किया और एम्प्रेस की तरह आपको ट्रीट किया जाता था, आपके हार्डवर्क को काफी वैल्यू दी जाती थी, और अभी भी ऐसा ही है कि आप जो भी काम करते हैं उसको वैल्यूएशन काफी मिलता है, और काफी नर्चरिंग केयरिंग आपकी एनर्जी रही थी और अभी भी है। आप लोगों की काफी परवाह करते हैं और बहुत आप इस तरह के पर्सन हैं जो काइंड हार्टेड हैं। आपके पास सब कुछ है पर फिर भी आप में ईगो नहीं है, इस तरह के आप पर्सन रहे हो सकते हैं। और अभी भी इसका इम्पैक्ट है कि आप बहुत ज्यादा अहंकारी इंसान नहीं है, आपके पास बहुत कुछ है पर फिर भी आप बहुत लीनियंट पर्सन हैं। और 10 of Cups का कार्ड है, तो ऐसा लग रहा है कि परिवार आपके लिए बहुत मायने रखता था पिछले जन्म में भी। आप फैमिली के लिए जीने वाले पर्सन हैं जिसके लिए परिवार की खुशियां बहुत मायने रखती है, और आपके लिए ये भी लग रहा है कि आपकी एक हैप्पी फैमिली थी, बहुत खुशियां आपने अपने परिवार में देखी थी पिछले जन्म में भी। और इस जन्म में भी इसका इम्पैक्ट है कि आप अपने परिवार को बहुत वरीयता देते हैं, चाहे कोई भी कह सकते हैं जैसा आपका कोई भी डिसीजन हो पर वो फैमिली पे बेस्ड ज्यादा होता है। आप इस तरह के पर्सन हैं जो अपने परिवार के साथ खुशियां बांटना पसंद करते हैं और यही आपकी प्रायोरिटी है, तो आप काफी फैमिली पर्सन रहे हो सकते हैं, और अभी भी आप इसी तरह की एनर्जीज वाले पर्सन हैं जिसके लिए परिवार और परिवार के लोगों का प्यार खुशी बहुत मायने रखती है। और नेक्स्ट कार्ड भी इसी तरह का है फ्रेंड्स, 10 of Pentacles की एनर्जी है, तो ऐसा लग रहा है कि आप बहुत भरे पूरे परिवार से आए थे पिछले जन्म में। बहुत बड़ा आपका परिवार रहा हो सकता है पिछले जन्म में, जिसमें आपके ताया, चाचा, चाची या अंकल, आंट, ग्रैंड फादर, मदर, और बहुत बड़ा परिवार था आपका, कजन्स, और उनके साथ आपने बहुत लग्जरी देखी है, बहुत खुशियां आप लोगों ने देखी हुई हो सकती है पिछले जन्म में। कोई कार्ड नेगेटिव ही नहीं आया आपके लिए, तो ऐसा लग रहा है कि आप परिवार के साथ बहुत अच्छा टाइम बिताकर आए हैं पिछले जन्म में भी, और इस जन्म में भी आपके लिए जैसा मैंने कहा 10 of Cups फिर अगेन 10 of Pentacles, तो परिवार आपके लिए सबसे पहली प्रायोरिटी है, और इस जन्म में भी आप एक हैप्पी फैमिली बनाएंगे। परिवार बहुत मायने रखता है और यहाँ 10-10 की एनर्जीज आई है, तो चाहे आपकी शादी से पहले का परिवार हो या शादी के बाद का परिवार हो, उनके साथ बहुत अच्छा टाइमिंग आपका रहेगा इस जन्म में भी, और पिछले जन्म में भी आप ऐसे ही थे, तो इस तरह के पर्सन हो सकते हैं। और यहाँ आपके फैमिली मेंबर्स आपके लिए बहुत मायने रखते हैं, चाहे आपकी मम्मी पापा हो, आपके भाई बहन हो, इवन आपके कजन्स भी हो, पर आपके लिए ये सब बहुत मायने रखता है, आपके लिए फैमिली बहुत मायने रखती है, इस तरह के आप पर्सन हैं। और यहाँ
अगर हम देखें बॉटम डेक की एनर्जी, द लेडी ऑफ द गिफ्ट, जेनरसिटी और रिसीविंग और विथहोल्डिंग, जी आप इस तरह के पर्सन हैं जो दूसरों को खुश करने में भी यकीन रखते हैं। जहां आप बहुत डिसिप्लिन पर्सन हैं, बहुत डेडिकेटेड हैं, बहुत समझदार हैं, वहीं आप लोगों को कह सकते हैं अपने जो भी आपकी जो फाइनेंसेस हैं, जो भी आपकी प्रोस्पेरिटी है, उसको बांटते भी हैं अपने परिवार को, अपने फ्रेंड्स को। इस तरह के पर्सन हैं आप। और यहाँ से अगर हम देखें तो एज ऑफ वॉन्स, तो आप नई चीज़ें करने से या नया कोई भी प्रोफेशन शुरू करना हो, कुछ भी नया ट्राई करने से आप कभी नहीं घबराते, और इसी तरह के आप पर्सन रहे थे पिछले जन्म में भी और इस जन्म में भी। इसका इम्पैक्ट है कि आपको कोई भी नई चीज़ दे दी जाए, आप बड़ी आसानी से उसे समझ लेते हैं, कर लेते हैं। इस तरह की आपकी क्वालिटीज़ हो सकती है। और यहाँ जो आपने कार्ड चूज़ किया था प्रोटेक्ट योर ड्रीम्स का, यू आर द गार्डियन ऑफ योर प्रीशियस ड्रीम्स and they are safe in your care, keep them close to your heart until you are ready to release them। जी इस मैसेज में भी आया है कि जो भी आपके ड्रीम्स हैं उसको आप पूरा करने की हिम्मत रखने वाले पर्सन हैं, और यही चीज आपके पिछले जन्म से चली आ रही है। तो फ्रेंड्स, अपने ड्रीम्स को लेकर गिव अप कभी ना करें। जो भी आपका चाहे कितना भी बड़ा ड्रीम हो, वो जरूर आप पूरा कर सकते हैं और पूरा होगा भी, क्योंकि ये क्वालिटी आप पिछले जन्म से लेकर आ रहे हैं। तो जो भी आपका ड्रीम है उस पर आप फेथ रखें, और जैसा आप उस तरह के पर्सन हैं जो सोच लें वो करके रहते हैं, तो अपने ड्रीम्स को लेकर गिव अप कभी ना करें। चाहे उसको लेकर लोगों का कुछ भी ओपिनियन हो, पर आप उन पे ज़रूर काम करें। और आप लोगों के लिए यही मैसेजेस थे और यही रीडिंग थी। अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।